अगर आपको लगता है कि गुरुकुल हब से जुड़कर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारी 5000 प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जीके में, लगातार हम डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस कराकर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL एग्ज़ाम से लिए गए हैं और आने वाले CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 5000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी सीरीज़ को हमारी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप एक जीके में भी एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? दास्ता का नया चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में वर्षा होती है? दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से, तो वह राज्य हो जाता है पंजाब राज्य। विश्व में कहवा मंडी, कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ उसकी सील भी सबसे ज़्यादा होती है। विश्व की कहवा मंडी है साओलो पोलो। नेक्स्ट है कि भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है कोडरमा, यानी कि बिहार में है कोडरमा। नेक्स्ट है कि अकबर ने किसे कंठाभरणवाड़ी की उपाधि से सम्मानित किया? कंठाभरणवाड़ी की उपाधि से सम्मानित किया था तानसेन को। नेक्स्ट है स्थलीय गोलार्ध, कहते हैं स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है उत्तरीय गोलार्ध को ही स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। एनी बेसेंट ने होम रूल शब्द का प्रयोग किस देश से उधार लिया? तो होम रूल शब्द जो लिया था वो लिया था आयरलैंड से। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो वह है प्रथम योजना। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। नेक्स्ट है कि कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है? कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है? वह है डागर जल संधि। अशोक का कौन सा लघु स्तंभ लेख आकार में सबसे छोटा है? तो वह है रुम्मनदेई स्तंभ लेख सबसे छोटा है। हिमालय पर्वत के किस भाग पर बर्फ सर्वाधिक पिघलती है? दक्षिणी ढाल पर। स्टीमर द्वारा डाक की पहली सेवा किन किन नगरों के बीच शुरू हुई थी? कोलकाता और इलाहाबाद के बीच ही गंगा नदी में स्टीमर द्वारा डाक की पहली सेवा शुरू की गई थी। स्थाई बंदोबस्त से कौन संबंधित है? स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। मैगसनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? मैगसनीज ने भारतीय समाज को बांटा है कुल मिलाकर 7 वर्गों में। किस परमार वंश के शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो वह थे भोज ने। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो वह हो जाता है उत्तर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने चिहलगानी की स्थापना की थी? वह था इल्तुतमिश। किस आंदोलन में पहली बार वंदे मातरम का स्लोगन गाया गया था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले वंदे मातरम का स्लोगन गाया गया। नेक्स्ट है कि एसडीआर कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आलम आरा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा धनराज गिरी। नेक्स्ट है कि गोल्डमैन पुरस्कार
किससे संबंधित है? तो यह है पर्यावरण की रक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर। तो ये हो जाते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट, जो आपके आने वाले CHSL एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम आप देते हैं या यूपी पुलिस के एग्जाम देते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इन्हें प्रिपेयर करके चलें, अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। आप चाहते हैं इनके नोट्स बनाना तो अलग से इन क्वेश्चन को नोट करके रखें। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।